ओएनजीसी की बात करें, ऐसा क्या हुआ जो इस शेयर में पंख से लग गए, कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रहा है? ओएनजीसी मार्केट का सेफ बनने की क्षमता आखिर क्यों रखता है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जहां लास्ट ट्रेडिंग डे में देखें तो ओएनजीसी का शेयर 5% के ऊपर तेजी के साथ बंद हुआ और कंटिन्यू इसमें तेजी देखने को मिल रहा है। वहीं आपको यह भी बताते चलें, यह शेयर अपने नए बाउंड वीक हाई को टच करते हुए नजर आ रहा है। जहां एक साल के भीतर 50% से ज्यादा तक का रिटर्न बनाकर दे दिया, वहीं पर मामूली प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, लेकिन लंबे समय के निवेशकों के लिए यह एक अच्छा मौका माना जा सकता है, क्योंकि जो खबर इस शेयर के बारे में, इस कंपनी के बारे में आई है, उससे आने वाले समय में इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकता है। जहां 266,300 करोड़ के ऊपर का इसका मार्केट कैप दिखाई दे रहा है, वहीं पर पी मात्र 6.18 और डेप्ट इक्विटी देखें तो 0.46, फेस वैल्यू 5 नजर आ रहा है। दमदार फंडामेंटल के चलते शेयर में तेजी बन सकती है। प्रोजेक्ट 2016 में जो शुरू किया था आंध्र प्रदेश कृष्णा गोदावरी में, इसको बड़ा कामयाबी हासिल हुआ है। ओएनजीसी को आयल के 26 कुएं बरामद हुए हैं, 26 कुएं से ज्यादा बरामद हुए हैं, जिसमें कच्चा तेल और गैस मौजूद है। आने वाले समय में आपके निवेश को अच्छा खासा मुनाफा बनाकर दे सकता है। यूं कहें 2 से 3 सालों के भीतर ही यह आसानी से 500 रुपए को भी टारगेट दिखा सकता है। यदि आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आपके लिए एक ऑफर माना जा सकता है। कंटिन्यू शेयर में तेजी बनी हुई है, लेकिन किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपना खुद का अध्ययन मनन अवश्य कर लें। मार्केट जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।